लॉकडाउन दौरान बच्चे बोर ना होन इस लई पंजाब सरकार दे सिक्ख्या मंत्री विजेंद्र सिंगला वालों एक क्विज़ प्रोग्राम शुरू किया सीगा कि बच्चे अपनी प्रतिभा नू उस क्विज़ दे नाल जागरूक करन फैलान लोगों तक पहुँचाण वीडियो बनाण ताकि लोग उस नू जान सकन नाम रख्या सीगा हैशटैग अंबैसडर ऑफ होप अंबैसडर ऑफ होप दा अज नतीजा आ गया है जिस दे विच अमृतसर दे रिधान कपूर नू पहला प्राइज दिता गया है जाने रिधान कपूर को कि इस कंपीटीशन दे विच उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है मेरे नाल ने रिधान जी बहुत बहुत मुबारक तुसी पंजाब सरकार दे इस क्विज दे विच हिस्सा लिया है मैंने ये दस्यो कि मन च आया सीगा किस तरह आया सीगा मन इस तरह आया सी कि एक बार मैं सोच रहा था कि एक ये कंपटीशन होने वाला है तो मैंने एक आइडिया सोचा था तो हमने ये वीडियो इस पे डाल देंगे फिर मैंने अपने फादर से बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ ये हम वीडियो उस कंपटीशन पे डाल देंगे जो सारे प्लेटफॉर्म्स पे हो रहा है सारे प्लेटफॉर्म्स मींस जो विजेंद्र सिंगला कंडक्ट कर रहे हैं अच्छा आपने जो वीडियो बनाई है कॉन्सेप्ट था उसका कि उन वॉरियर्स को आपने वीडियो में लिया है उसका थीम वही रखा गया है ये दिमाग में कैसे आया था कि यही थीम मुझे लेके जाना है इसी को इस कॉन्सेप्ट को क्योंकि कोरोना काल के दौरान इन ये वॉरियर्स हैं और आपके दिमाग में ये उसी का टाइटल कैसे आ गया इस लॉकडाउन पीरियड में कोरोना वॉरियर्स ने हमारी बहुत मदद की है दिन रात अपनी फैमिली को छोड़कर हमारी सेवा कर रहे हैं और गवर्नमेंट की सेवा कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि इन कोरोना वॉरियर्स के वीडियो बनाते हैं और जो कचरे वाले हैं वो कचरे वाले नहीं वो हमारा कचरा साफ करते हैं कचरे वाले हम हैं अभी आपका वीडियो फर्स्ट प्राइज आपको मिला है पंजाब सरकार ने क्या अनाउंस किया हुआ था कि पहली प्राइज मिलेगा उसको हम गिफ्ट देंगे दूसरा प्राइज तीसरा प्राइज ऐसा क्या था हाँ तो पहला प्राइज था आईपैड और सेकंड था लैपटॉप और थर्ड था टैब विजेंद्र सिंह सिंगला जो शिक्षा मंत्री हैं हमारे उन्होंने अपने फेसबुक पर भी आपका वीडियो डाला हुआ है वो आपको महसूस क्या हो रहा है इसमें भी जब ये देख लिया कि इस सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ जहाँ ये विजेंद्र सिंगला शिक्षा मंत्री ने आपका वीडियो डाला अपने फेसबुक पे हाँ हाँ तो श्री विजेंद्र सिंगला जी ने भी मेरी वीडियो ट्विटर भी पे डाली थी और उस टाइम में को बहुत अच्छा फील हुआ था और कॉन्सोलेशन प्राइज में मेरा नाम नहीं आया था तो उसमें भी डिसअपॉइंटेड थी मैं और मेरी फैमिली तो फिर सोचा था कि बहुत अच्छी वीडियो बनी थी पर आना तो चाहिए था प्राइज बट फर्स्ट आ चुका हूँ मैं तो फिर आपको कैसे लगा कि जैसे आपका नाम नहीं था आपने देखा फिर आपका नाम एकदम से आ गया उसमें तो वो क्या कारण था कि कैसे आपको लगा कि भी मेरा नाम आ गया वो टाइम वो मेरी जब रिजल्ट आया था वो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा मोमेंट था उस टाइम पे जब उस दिन रिजल्ट नहीं आया था रोज 12 बजे रिजल्ट देते हैं वो कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट का तो उस दिन उन्होंने रिजल्ट नहीं दिया था 5 बजे आया था तो पापा ने व्हाट्सएप खोला उन्होंने देखा रिजल्ट आया है तो फिर उन्होंने कहा कि रिधान कपूर नंबर 1 फिर हमारे घर में इतनी चीखें बजी इतनी रौनकें लग गई दादी ने इतना प्यार किया मेरे को बहुत अच्छा मोमेंट था मेरी वो जिंदगी का ये आपका कह सकते हैं कि पहला प्राइज ऐसा था अचीवमेंट थी आपकी अभी इसको ऐसे इस अचीवमेंट के बाद आगे बहुत होप है बहुत कुछ सोचा हुआ है कि आगे आपकी ज़िंदगी में आगे और बढ़ना है आगे क्या किस चीज़ को लेके आप अपना करियर आपके डेवलप करना चाहते हैं बहुत सी चीज़ें जिसके लिए मैं अपना करियर बनाना चाहता हूँ बट देखते हैं आगे जाके क्या बनता है मैं सक्सेसफुल होऊंगा बट देखते हैं क्या होगा मेरा करियर अच्छा रिधान अभी आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं मैं 5th क्लास में पढ़ता हूँ अभी देखिए 5th क्लास में आप पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी बहुत मौका है अभी आपको आगे आपका जो आगे जीवन है जीवन यापन जो कमाना है उसकी भी आपको चिंता है क्या सोचा हुआ है कि आगे जाके बनना है आपको आगे जाके मैंने एक्टर बनना है एक्टिंग मेरा बहुत अच्छा पैशन है और उसको आगे मैं कैरियर करूँगा ओके रिधान आपने एक्टर बनना है वेरी गुड हमारी भी जो दुआएं हैं आपके साथ कि आप एक्टर बने आपका इस वीडियो में जो आपने बनाया है जिसको फर्स्ट प्राइज मिला है आपका साथ दिया है घर वालों ने भी वीडियो भी बनाई है ये किस किस ने आपका इस वीडियो में साथ दिया आपने
सबसे ज़्यादा दादाजी वो अभी है नहीं, पर ऊपर से मेरे को देख रहे हैं, मुझे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। और इस वीडियो में एक मामू ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया मेरी, और पूरे परिवार ने बहुत ज़्यादा मदद की और बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दिया मुझे। ओके, जब जो कॉन्सेप्ट पंजाब सरकार लेके चली थी, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड था, लोगों को ये था कि बच्चे खास करके अपने घर में फ्री बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी भी स्कूल कॉलेज नहीं लगे हैं, स्कूल में नहीं जा रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं, शरारतें भी कर रहे हैं, घर वालों को भी परेशान कर रहे हैं। उस समय ये कंपटीशन उन्होंने अनाउंस कर दिया कि ये कंपटीशन करना है, तब आपके दिमाग में क्या आया था? उस टाइम पे ये दिमाग में आया था कि अगर इन्होंने ये किया है तो बहुत अच्छी चीज़ है, हमको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा बहुत अच्छे अच्छी तरह से, और हम अपना सारा डर बाहर निकाल सकते हैं कोरोना का। ओके, आपका टैलेंट देखने की एक पंजाब सरकार ने उपराला किया है कि कितने लोगों ने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया, कितनी वीडियो पहुंच गई थी और कितनी देख के कैसे आपको ये पूरा जो कॉन्सेप्ट था सामने आया? पूरे पंजाब में 1,06,000 वीडियोज आई थी, और पता नहीं 24,000 वीडियो अमृतसर से गई थी, उनमें से 3 बच्चे सिलेक्ट किए गए, उनमें से एक मैं था, और बाकी जो 1,00,000 वीडियोस थी उनमें से 66 लोगों को सिलेक्ट किया गया था। ओके, थैंक यू वेरी मच सुधन, हम ये सोचेंगे चाहेंगे कि आप आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो। सो ए सन रिधान कपूर, जिन्होंने पंजाब सरकार वालों कंडक्ट किया गया एक होप फॉर द एम्बेसडर फॉर होप दे ना, तो एक क्विज प्रोग्राम सीगा जिदे विच अपनी अपनी वीडियो तुसी बना के किसी भी प्लेटफॉर्म दे उत्ते तुसी पोस्ट कर दियो, उसनों पंजाब सरकार वेखेगी, खास करके सिंगला विजेंद्र सिंगला सिक्ख्या मंत्री जड़े ने उसनों देखेंगे और उसनों जानेंगे, और उसनों पूरी तरह देखने तो बाद सिलेक्ट करके पहला दूजा तीजा प्राइज़ कढ़िया जाएगा, जिदे विच पहले प्राइज एक कोई इनाम रखा जाएगा, दूजे सैकेंड प्राइज़ रखा जाएगा, थर्ड प्राइज़ रखा जाएगा। सो पहला प्राइज़ मिलिया है, बहुत बहुत इस लड़के नू मुबारक, और जो इसने सोचा होया है कि मैं बड़े होके भी जरा एक्टर बनना है, असी उम्मीद करते हैं कि यही जरा सपना है साकार हो गए, ये अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। कैमरा पर्सन विपन शर्मा दे नाल ज्योति बहल, दैनिक सवेरा टीवी, अमृतसर। क्या है परेशान, क्या आपकी समस्या का हल नहीं हो पा रहा, तो निराश ना हो। 17 बार गोल्ड मेडलिस्ट मियार रफीक मोहम्मद, जिनके पास है आपकी हर समस्या का हल, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, या फिर हो करियर से रिलेटेड, या फिर हो लव रिलेशनशिप, आपकी समस्या का हल होगा 31 घंटों में। फिर देर किस बात की, स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स के ऊपर कॉल करो और अपनी समस्या का हल जल्द से जल्द पाए। देश दुनिया की हर वड्डी खबर तले हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।